कई जगह जुमे के दिन मस्जिदों से यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने का ऐलान की बात भी सामने आई है। यूसीसी को लेकर क्या क्या फैलाया गया, क्या क्या समझाया गया, कितनी सियासत हुई, कितना डराया गया, कितना भड़काया गया, कितना सच बताया गया, दिल्ली के मुस्लिम मोहल्ले में यूसीसी को लेकर क्या चल रहा है, मुंबई के मुसलमानों को क्या यूसीसी से डर लग रहा है, हैदराबाद भोपाल के मुस्लिमों में यूसीसी में क्या दिखा, बनारस लखनऊ की मस्जिदों से क्या ऑर्डर आया। ये देश की राजधानी दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद है, यहाँ पर भी तकरीर हुई है। सबसे कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ ने जो QR कोड दिया है उसको स्कैन करके अपनी राय भेजें और UCC का वो विरोध करें। हैरानी तो इस बात की है कि क्या होगा क्या नहीं। अभी बिल बना नहीं है, न ही कोई ड्राफ्ट आया है, लेकिन मुसलमानों के दिमाग में डर का बीज बो दिया गया है। UCC को लेकर चार शादी तलाक सब पर सवाल हुआ, लेकिन जवाब क्या आया वो सुनिए। देखिए, इसकी कोई ज़रूरत तो है ही नहीं। आइन में पहले से सारी चीज़ें मौजूद हैं। इस चीज़ को तो ये मुल्क के लिए कुछ खतरे पैदा करने वाली बातें कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सैकड़ों किस्म के मजाहब के लोग रहते हैं, हर एक की अपनी अपनी आस्था होती है, हर उस पर चलना चाहते हैं अपने मज़हब पे। इस पर अगर आप इस ज़बरदस्ती ये चीज़ थोपेंगे तो इससे मुल्क को ही नुकसान होगा। देखिए, ये आपको मालूम है सन 2024 के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं। इलेक्शन आने से पहले पता नहीं ये पार्टी जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये पता नहीं कौन कौन से मुद्दों पर नई नई चीज़ें लाएगी, नई नई बातें पैदा करेगी और अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश करेगी। इसमें जो सिविल कोड का मसला आ रहा है, इसके अंदर कोई मुसलमानों के हक़ में कोई बेहतरी नहीं है। ना मुसलमानों को इससे फ़ायदा होगा, ना रोटी रोज़गार मिलेगा। जो मुसलमान कर रहा है वो करता रहेगा। मज़हब के लोगों को नुकसान पहुँचाने पर लगे हुए हैं ये, किसी तरह से पब्लिक पागल बने और हमारा फायदा हो। तो सिर्फ ये वोट बैंक के लिए ऐसा हो रहा है? वोट बैंक के लिए ऐसा हो रहा है ये। वो ये कह रहे हैं कि कानून इस तरह का होगा कि चार शादियां करते हैं मुसलमान, तो ये सब बातें, ये तो हमारी शरीयत से चल रहा है। ये तो शरीयत को हम वो नहीं कर सकते, जो शरीयत में है वो तो है ही ना। चार शादियों का इसमें एक मकसद है, चार शादियों का। ये कोई मुसलमान अपनी अय्याशी के लिए नहीं करता चार शादियाँ। कोई बेवा है, कोई गरीब औरत है जिसकी बच्चों की शादी नहीं हो रही पैसे की वजह से, हमारे यहाँ मजहब ने सब फरमाया क्या। भारत का मौजूदा मुस्लिम पर्सनल लॉ अंग्रेजों के समय आया था। अंग्रेज चाहते थे कि भारत पर वो शासन उन्हीं के कल्चर, उन्हीं की संस्कृति के हिसाब से करें। इसी मकसद के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन 1937 में लाया गया। इस कानून के तहत मुसलमानों की शादी, तलाक, मेंटेनेंस, मेहर और प्रॉपर्टी से जुड़े मसले हल किए जाते। फरवरी 1951 में संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया गया। एक गलती अंग्रेजों ने की, दूसरी आजादी के बाद हुई। मजहब के नाम पर हिंदू मुस्लिमों के अलग अलग कानून बन गए और फैसले होने लगे। लेकिन अब एक संविधान और एक विधान की बात हो रही है। लेकिन UCC पर देश के सभी मुस्लिम संगठनों ने शरीयत कानून में बदलाव को लेकर एक चिट्ठी जारी कर UCC बिल लाने की चुनौती को बढ़ा दिया है। इस चिट्ठी में लिखा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ की बुनियाद शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 है। ये सीधा देश के मुसलमानों की धार्मिक पहचान से जुड़ा है। इस एक्ट में बनाए गए सभी रूल कुरान शरीफ की आयत और हदीस से साबित हैं। इसलिए तमाम मुस्लिम संगठन भारत सरकार से अपील करते हैं कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ को प्रभावित करने वाले यूनिफॉर्म सिविल कोड का इरादा त्याग दे। जो धार्मिक आजादी देश के संविधान में दी गई है, सरकार उसका सम्मान करे। लेटर जारी करने वालों में पर्सनल लॉ बोर्ड, अहले हदीस, जमियत उलेमा ए हिंद, जमात ए इस्लामी, अमीर ए शरीयत, दारुल उलूम देवबंदी, झारखंड उड़ीसा के मुस्लिम संगठन शामिल हैं। जो UCC का समर्थन कर रहे हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि जो मजहब की फसल काटते हैं वही सबसे ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। इन्होंने तो कभी कांग्रेस की सरकार में उनको कुछ दिलाया नहीं, कभी इन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार में या बहुजन समाज पार्टी की सरकारों में कुछ नहीं दिलाया। अपनी जेबें भरने का काम किया, उनका शोषण किया और उनके वोट का सौदा किया है इन पार्टियों के साथ में, विरोधी पार्टियों के साथ में। और आज भी अब इनको साफ नजर आ रहा है कि UCC जैसे ही आएगा इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये अपनी दुकानें बचाने के लिए अब आज मस्जिदों से ऐलान करने की बात कर रहे हैं। तो ये साफ है कि जिस तरह से इन्होंने ट्रिपल तलाक का विरोध किया था और ट्रिपल तलाक आया, आज बहनों को वो ट्रिपल तलाक की बेड़ियों से आजादी मिली मुस्लिम समाज की बहनों को, ऐसे ही एक समान अधिकार मिलेगा UCC से। देश की मांग है,
हर नागरिक आज चाहता है कि देश में यूसीसी आए और मुसलमानों का भी उत्थान होगा, मुसलमानों को एक समान अधिकार मिलेगा, हमारी माँ बहनों को भी और भाई बहनों को भी, सभी को उसका अधिकार मिलेगा। इसलिए परेशान है कि इनकी दुकानें बंद हो रही हैं, ये मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड जो ठेकेदारी करता था इनकी ठेकेदारी बंद हो जाएगी। इसमें एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो यूसीसी के ऊपर एक बड़ा वावेला मचा रहे हैं लोग, ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, न इस्लाम के और न ही अन्य धर्मों के। यूसीसी के आने से किसी की भी ना पूजा पद्धति पे कोई असर पड़ेगा, ना उनकी इबादत पे पड़ेगा, ना उनके विवाह और निकाह पे पड़ेगा। मुसलमानों में भ्रम पैदा करने के लिए एक वर्ग है जो अपने फ़ायदे को सामने रखता है और वो अपने मफादात को सामने रखते हुए इस तरह का मुसलमानों में एक पैगाम दे रहे हैं कि जैसे उनके निकाह नहीं होंगे, उनके जो इबादात के तरीक़े हैं उसके ऊपर कई पाबंदी लग जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा संविधान सबको बराबरी की और सबके कल्याण की बात करता है और सरकार का इसमें बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जो दृष्टिकोण है वो बहुत ठीक है। जो मुसलमान यूसीसी का समर्थन कर रहे हैं उसे मौलाना ब्रिगेड गद्दार मजहब विरोधी जैसे सर्टिफिकेट बांट रही है। यूसीसी को लेकर मुंबई के मुस्लिम मोहल्ले में क्या चल रहा है, मुसलमान यूसीसी पर क्या कह रहा है, वो सुनते हैं। हमारे सामने कोई बात अगर खुलकर नहीं आएगी कि हमें किस चीज पर अमल करना है या ये कानून किस तरह से लागू होगा तो हम किस तरह से बता सकते हैं कि हम हाँ या ना, या ये हम किसी चीज़ के मुखालिफ थोड़ी हैं। हम इस देश में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम हर चीज़ को, अच्छी चीज़ को कबूल करेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसी बात जो हमारे मजहब के खिलाफ जाती है या ये जाती है तो उसको हम नहीं कबूल कर सकते। तो ऐसा है ही नहीं, पहली बात तो ऐसा होता ही नहीं, वही बता रहा हूँ कि ये प्रोपेगेंडा है इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की एक साजिश है। जितने भी डिबेट हो रहे हैं सारा जो यूसीसी जो शुरू होता है वहाँ से और सीधे आ जाता है डायरेक्ट कहाँ बहुविवाह, वहीं आकर के जो है माला सारा जूतम पायदार होता है और लड़ाई झगड़े होते हैं टीवी डिबेट वगैरह में। तो ये सारे जो है इस्लाम को और मुसलमानों को सिर्फ टारगेट किया जाता है और यूसीसी जो है न सिखों को कबूल है, न दलितों को और न जो दूसरे ईसाइयों को, न जो है क्या कहें यहूदी और यहूदियों को और न किसी मुसलमान को, कोई भी नहीं। और तो अगर इसको लागू करना है तो सबसे पहले जो मेघालय मणिपुर और वो तमाम जगहों पे जो 371 को ख़त्म करे और उसके बाद जो ये करे और कबायली इलाकों में जो होता है उनके यहाँ ब्याह शादी उनके जो रस्म उसको पहले ख़त्म करे ना, उसके बाद लागू करे। सुना आपने, दिक्कत यही है। सवाल यूसीसी पर हुआ लेकिन जवाब नॉर्थ ईस्ट के स्पेशल कानून पर चला गया। कहानी यह है कि जहां चार बेगम महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने की बात आएगी, मौलाना ब्रिगेड यूसीसी को लेकर ऐसी ही कहानी सुनाएगी। हैदराबाद भाईजान का इलाका है, भाईजान भी उसी ब्रिगेड का हिस्सा है जिन्हें यूसीसी हिंदू कोड बिल दिखता है, लेकिन यहाँ का मुसलमान कहता क्या है वो सुनते हैं। चलिए, बीजेपी और आरएसएस का पॉलिटिकल स्टंट है, जब जब भी इलेक्शंस करीब आते हैं कोई ना कोई इशू लाते हैं लोग और उन लोग वो इशू ला के सब में भ्रम पैदा कर देते हैं और कुछ भी। जब यूसीसी करेगा तो दलित और ब्राह्मण एक हो जाएगा फिर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।